श्री सुरभ्ये नमः 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 सुरभ्ये नमः श्री 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 सुरभ्ये श्री सुरभ्ये नमः 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 श्री सुरभ्ये नमः
नमः श्री सुरव्ये 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 सुरभ्ये नमः श्री 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 सुरभ्ये श्री सुरभ्ये नमः 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 होगो मेरे यहाँ तो छोटो सो और 1200-1100 कनुआ है। अब आप अपने लाला को कारो बताए। हाँ, कारो है, कारो वह कारो नहीं है, वह तो यह संसार को उजियारो है। अच्छा कारो है ना कन्हैया को मनाया दर्श दे कराए धूनी दंगो में रमाए मैं हूँ पक्को योगुना धूनी दंगो नी रमाए मैं हसी लो योगिया। भैया हम योगी राज हैं। अच्छो हम बहुत हटीले हुए मा। अच्छो कैसे तेने कभी योग हट सुनी है? अच्छा योग हट सुनी तो आप सुने। हम योगी राज हैं और हमारी योग हट ऐसी होए है कि तेरे दरवाजे पे हम 12 और 12-24 वर्ष तेरे दरवाजे पे धूनी रमाए के बैठ जाएंगे, परंतु जाएंगे जब ही जब तू अपनी लाला के दर्शन हमको करावेगी। अच्छा तेने अपनी योग हट सुना दे। ये योग हट है और तेने त्रिया हट ना सुनी? कब त्रिया हट ते पालो पढ़े हो कि ना पढ़े हो? अभी तो ना पढ़े हो, आप बता दो। सुनो बाबा आप तो कह रहे हो कि 24 12 और 12-24 वर्ष तक मेरे द्वारे पे धूनी रमा लेगी। मैं कह रही हूँ 24 और 24-48 वर्ष तक तू मेरे द्वारे पे धूनी रमा लेना तो लाला के दर्शन ना करा रही तो। अच्छा हाँ आप तो बड़ी हटीली हो माँ। तू हटीलो ना है का बोला? हाँ तो माँ आप कबू तो अपने लाला को बाहर निकासोगी, हम तभी दर्शन कर लेंगे। सुन बाबा चाहे मेरो बेटा घर में बूढ़ो क्यों ना है जाए तो ये ना कराऊंगी दर्शन। हाँ मैं पक्की ब्रजवासी हूँ। हाँ ऐसी वैसी ना हूँ। और जब मेरो योग रंगा लगे श्याम सुध योग लगे श्याम सुध ले प्रार्थना कर रहे हूँ कि आप एक बार अपने लाला के दर्शन तो करा दो। मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। अरे रानी राखी क्यों देरी लगाए दर्शन हाँ असल बसाने धाने
बाबा सुनो, आपको जो कछु चाहिए मेरे यहाँ पे ले जाओ, साल दुसाला ले जाओ, अरे जो कछु चाहिए पाट पीताम्बर ले जाओ, और देखो मैं आपको खूब भोजन कराऊंगी, और आप यहीं सो मेरे बेटा को आशीर्वाद दो। हाँ, अरे ना चाहिए धन आसन बसन तज, आयो में संपत्ति सारी, यशोदा के लाला के दर्शन करके आओ। तो आज मैं अपने गुरु की आज्ञा को पालन कर रहे हूँ, या तो मैं आपके लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। अच्छो बाबा, तुम्हारे गुरुजी ने कहिए कि जाओ और यशोदा जी के लाला के दर्शन करके आओ। हाँ, गुरु की आज्ञा लेके आए हो। हाँ, कल तुम्हारे गुरुजी ने कह गई कि जाओ यशोदा के लाला ये ले आओ, तो आप लाला ले भी आ जाओगे मैया। हाँ, पहले दर्शन तो करा दे, और जब मैं आपके लाला को लेने के लिए आऊं जब मत दीजो। बाबा मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप यहाँ पे पधारो, जाओ जाओ जाओ। अरे अब हरिद्वार छान तेरे ते, धुनी उठी हमारी, और निराश है कि जा रहे हैं, परंतु हमारी यह प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम हमको नहीं बुलाओगी, हाँ, तब तक हम तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। बस अब हम जा रहे हैं। हाँ जाओ महाराज, जाओ, नाव को भेजो तो वही हो, बिना बुलाए मत ही जाओ। या तुम पछताओगी और हमें बुलाओगी। अरे महाराज, आप यहाँ से चले जाओगे, मैं तो प्रसाद और बांटूंगी। ठीक है तो हाँ जाओ। अरे खुल दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झला। मत रोवे, लुरु लुरु पुचर पुचर बेटा, चुप जाओ। घर घर हाथ दिखा
पीवे नहीं सोवे कि तब होवे भैया। आपके लाला काय करो रे? काय करो रे? मो का बतो काय करो रे? अरे भूखे होंगे दूध पिला दे। नहीं पीड़ो दूध ना पी रहे। तो मैया एक बात बताओ, आपके लाला है काऊ की नजर तो ना लग गई? नजर? अरे यहाँ कौन है? या तो मैं हूँ या मेरो बेटा है। काऊ आपकी नजर तो ना लग गई? हम मैं ठग्गो? मैया बाबन की नजर लगती होगी, बेटा है। अरे मैया, मैया बाबन की नजर तो इतनी बुरी हो पहाड़ के पत्थर वो फोड़ दे। पत्थर फोड़ा होंगे तेरे मैया बाप? हाँ मेरी नजर मेरे बेटा ना लगेगी? हाँ तो यहाँ कोई आयो मैया? अब यही भी कर यही एक आयो री जोगी अलग अलग हाँ वो अलग 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 कछु बोल रहे हो। मैया वा को नाम कहा है? नाम की खाई मैंने बाकी खीर। हाँ वो अलग अलग कह के पुकार रहे हो। किसको गए? वो गए वो सिंगापुर माऊ। बुला के लाऊ मैं? हाँ तू बुला के लाए तो लगे वो एक कछु टोना मोना कर गो। सत्य कह रही हो? हाँ ऐसा ही लग रहा हूँ अब दूध जैसो। अलख बाबा ओ अलख बाबा, अलख बाबा चलो तुमको यशोदा है। अलख बाबा आपको हमारी मैया बुला रही है। मैया बुला रही है? हाँ मोकू मैया बुला रही है। हाँ मैया सुन जाके कह दे कि अब बाबा पे अवकाश नहीं है। वह पूछती लौटा मुखारविंद के बीच में यात्रा में भांग उठ रही है। मैया बाला की तो भांग उठ रही है। बाबा हाँ यार रबड़ी में घुटी घुटाई रखी है, आ जाओ ऐसी रबड़ी में हाँ घुटी घुटाई धरी है। तो मैया सो जाए के कह दियो कि वह घुटी घुटाई भांगे बाबा नहीं पीवे, ये तो स्वयं घोटे है। हाँ और बस रही हो तो मैया पी लेगी कछु लाला पे बह देगी। जाओ मैया जो तुमने भांग घोट के रख रखी है ना, बाबा जो कह रहे मैया पी ले और लाला पी ले। अच्छा मोना चाहिए भांग। ये बता सुन बाबा ते कह दीजो कि मैया लाला के दर्शन करा देगी। बाबा हाँ मैया लाला के दर्शन करा देगी, आ जाओ दर्शन करा देगी। चल दे जो नंदन भवन में बुला रही है। बुला रही है दर्शन करा देगी। दर्शन की कह रही है आ जाओ। बाबा ऐसे तो चाह ही रहे हो। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, ये भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की तो दौड़ के आने को है। हर तरह से दिखाए जा
प्रेम प्यासे नैना देखो माँ, आपको लाला हंस रहे हैं, देखो। हाँ, बोलिए।
नहीं यार। देख ले बाबा। हाँ हाँ आप ये कहा कर रही हो माँ? देखो आप देखते तो हंस रहे हैं और मुझे देखते रो रहे हैं। बाबा आप ऐसो मत करो, देखो जब मैं आपके लाला दर्शन के लिए आया हूँ दरवाजे पे तो आपने कहा कही कि मुंह को देख के आपको लाला डरेगो, अब मुंह को देख के आपको लाला प्रसन्न है रहे है और आपको देख के लाला डर रहे है, रो रहे हो या सो नंद भवन से बाहर है जाओ। अरे ना महाराज, कहीं जाओ यात्रा करो या कहीं जाओ। ना ना महाराज, देखो महाराज मैं आपकी हाथ जोड़ू, आप वो देख के हंसे यार, मुंह देख के हंसे, ऐसा कर दो। अच्छा क्या बाबा जी की कछु अलग में ही जा दू है? मगन भरी नंद झूठी रानी जी बोल न पाला, मगन भरी नंद झूठी रानी कई मोतिन की माला, रोने जोगी नंद भवन में ब्रज में बातों की रे, रोने जोगी नंद भवन में ब्रज में खिलौना नक्शे हो बाबा, अब देखो आप मेरे नंद भवन में रहो ना। नंद भवन में? हाँ भैया आप सत्य कह रही हैं, मैं आपके नंद भवन में ही रहूं। नंद भवन में? हाँ हाँ बाबा, मैं तो बूढ़ी है गई, मैंने तो देखियो ना तू कब। मैं स्थान बताऊं कि मैं कहाँ रहूं? कहाँ? जहाँ आप अपने लाला को चंदन की चौकी पे बैठा के स्नान कराओ हो। हाँ। और वह स्नान को जल जहाँ मोरी में है के जाए है, वह मोरी में मैं पिंडी रूप से बैठे हुए। अच्छो बाबा अब तो बन गयो काम। क्यों कैसे? जब मेरो बेटा रोवेगो ना, एक लम्बो सो बांस लूंगी और वह मोरी में खटखटा दूंगी, आप निकल आओगे, मेरो कन्हैया हंस जाएगो। भैया क्यों अंग भंग करो मेरो, आप नाम लेके बुला लीजिए मैं आ जाऊंगा। बाबा कछु बताओ तो। ब्रज में पांच नामन सो विख्यात हूँ। कौन कौन से? वृंदावन में गोपीश्वर, मथुरा में अखाड़ा भूतेश्वर, कामवन में कामेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर और तेरे यहाँ नंदगांव में नंदीश्वर। बाबा तुमने तो ये सब सुर सुर बता दी, कोई बेसरो सो बता दो। हाँ हाँ बेसरो सो है। कौन सो? बूढ़ो बाबू नाम है मेरो, सूर शाम तेरो जाने, मेरो नाम बूढ़ो बाबू है। जो बाबू? हाँ जो ब्याह बरातन में पूजा कड़ी बाज रहे थे। कड़ी बाज रहे तो कोई दरिद्री होगा, मैं गडुबान ते पूजू। अच्छो बूढ़ो बाबू में नाम है, तुम नहीं जानो हो परंतु तेरो लाला मुंह को अवश्य जान। देख ले कोई बात कर रहे ना अटपटी बात, मैं तो जानू नहीं, मेरा छोटो सो कन्हैया जाने यहाँ पे। हाँ हाँ माँ ये आपके लाला नहीं है। और का मेरा बाप है। ठीक है माँ ठीक है, आपकी जो ममता है वह ममता के लिए मैं प्रणाम करूँ हूँ। वास्तव में ही माँ की ममता हो तो ऐसी होगी, तो और माँ मैं चलूँ फिर? ना 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 सुनो बाबा। हाँ। देखो बात ऐसी है, ये जो सखी है ना ये मेरे कन्हैया बड़े घूर घूर से देखे है, या को नजर गुजर बहुत लग जाए है, तो देखो कछु आप जानते हो टोना वोना तो कछु बता दो। एक बात और है, मेरो कन्हैया कारो है, कारो है ना। हाँ। तो बाबा देखो या को ब्याह कबू होगो कि नहीं होगो, आप मुकू लेके एक छोटी सी बात और बता दो।
आपके लाला गोदी में खेल रहे हैं, पाले में खेल रहे हैं, दूध पी रहे हैं और ब्याह की अभी सो चिंता है गई। आपके लाला के इतने ब्याह हैं, इतने ब्याह हैं, बस कछु मत पूछो। कितने महाराज? 16,108 16,000 रानी और 108 पटरानी। ये तो एक दिन में ही आ जाएंगी। नहीं महाराज, इतनी एक ना चाहिए, ये तो आपस में लड़ेंगी। मैं राम अवतार की बात सुनाऊं आपको माँ। कौन सी? त्रेता युग में जब राम जी ने सीता जी को प्रत्याग कर दियो, तो एक नारी व्रत दृढ़ रहे, ऐसो संकल्प करके ब्राह्मण के द्वारा प्रभु श्री राम जी ने यज्ञ कराई। वह यज्ञ में 16 हवन कुंड बनाए गए। सीता जी की अनुपस्थिति में तो 16 स्वर्ण में ही सीता बनाई गई और प्रत्येक कुंड पे सीता जी को विराजमान कर दी। जब यज्ञ की पूर्णाहुति भई, यज्ञ को विश्राम भयो, तो वो जो 16 स्वर्ण जो सीता ही वह प्रत्येक ब्राह्मण को यानी 16 ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप में श्री राम जी ने प्रदान कर दिया। तो सभी ब्राह्मण ने ये आशीर्वाद दियो कि राम आज तुमने ब्राह्मण को 16 स्वर्ण में सीता दक्षिणा के रूप में प्रदान करी है, तो एक एक सीता के प्रतिपकार में तुमको 1,000 बहु प्राप्त होंगी। तो 16,000 तो एक दिन में ही तेरे लाला के लिए आ जाएंगी, 16,000 बहु और 108 तो और आ जाएंगे। ना महाराज, एक ना चाहिए, मो एक ना चाहिए, मो तो बस एक चाहिए, या घर की उजियारी एक चाहिए महाराज। इतनी ना चाहिए तो आपस में लड़ेंगी खूब। तेरे घर की शोभा, घर की शोभा तो या के लिए तो मुझको अपने नाथ को पूछना पड़ेगा। तेरे कोई नाथ है का? और क्यों, मैं बिना नाथ की छोड़ रहा हूँ? अच्छा अच्छा, अपने नाथ से पूछोगे, कहूँ जाओगे? बाबा ने पूछ ली होगी? हाँ पूछ ली होगी। अच्छा बाबा, बाबा, ओ बाबा।